हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी जो कि है जीरा आलू की। इसमें बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। आलू बच्चे और बड़ों दोनों को ही पसंद होते हैं। जीरा आलू की रेसिपी हर घर में अलग अलग होती है। मैंने इस वीडियो में अपनी रेसिपी शेयर की है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए ऑयल, ये 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें जीरा थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, तो मैंने ये 1 टीस्पून इसमें जीरा भरकर डाला है। इसमें अब 500 ग्राम्स मैंने आलू राउंड शेप में कट करके डाले हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, जिस शेप में आपको कट करने हो और जो आपको पसंद हो। बस आलू का साइज़ ध्यान रखिएगा, ना ही वो ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले, और कोशिश करिएगा कि आलू का साइज़ इक्वल रहे। इस तरीके से हमने इसको नीचे से ऊपर की ओर चलाना है ताकि ऑयल की कोटिंग हर पीस पर इक्वली हो जाए। इस प्रोसेस में आप 1 मिनट दीजिएगा। उसके बाद हमने डालने हैं इसमें मसाले। इसमें सबसे पहले डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डालेंगे, मेरे बच्चे थोड़ी कम ही मिर्च पसंद करते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया और ये 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर। अब इसके बाद फिर से उसी तरीके से हमने चलाना है जैसे कि हमने पहले चलाया था, नीचे से ऊपर की ओर। क्योंकि ये सब्ज़ी सिर्फ ऑयल में ही बननी है और इसमें बहुत कम पानी का यूज़ होता है, तो इस टाइम हम इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे से कोट कर देंगे। इस तरीके से आपको चलाते हुए रहना है ताकि हर एक पीस पर आपको मसाला लगा हुआ दिखे। ये मैं भी इस तरीके से ही चला रही हूँ, ये नीचे से ऊपर की ओर। ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो रहा है और आलू को सेंटर में मैं करती जा रही हूँ। जब आपको लगे कि मसाला पूरा कोट हो गया है तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाला है, इसे आप पानी का छींटा भी कह सकते हैं। मेरी मदर इसमें पानी का छींटा कहती थी, तो इसको मैं मदर रेसिपी ज़रूर बोलूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छे से स्टर देना है और उसके बाद इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ना है। 5 to 8 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये मैंने ओपन कर दिया है और इसके बाद ये मैंने चेक कर लिया था, ये मैं आपको भी चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये आलू गल चुके हैं और अब आता है इसको सर्व करने का टाइम। ये मैंने आलू सर्व कर दिए हैं। ये रेसिपी पराठे, रोटी, नान सबके साथ चलती है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से खाया जा सकता है, साइड डिश की तरह भी, जैसे दाल रोटी और साइड डिश की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये परफेक्ट एक टिफ़िन रेसिपी है, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।